How do you pronounce this word? Is it रमेश? या रमेश। तो गाइस रमेश का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपका कोई अलमीरा है, वार्डरोब है, जो भी है, और आप यहाँ पर हो। सिचुएशन समझ लेना, याद हो जाएगा, अभी के भी याद हो जाएगा। आपको अलमीरा में मान लो कि आपको अपना कोई कपड़ा ढूंढना है, ये जो आप कुछ भी बनियान ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है, और बहुत सारे कपड़े का ढेर लगा हुआ पाइल है। अब आप ना इधर उधर फेंकने लगते हो, किसी चीज़ को ढूंढने के चक्कर में ना सबको अनटाइडी कर देते हो, मैसी बना देते हो। कभी ऐसा होता है ना, कुछ ढूंढते हैं यस सर, तो चीज़ें इट फेंकने हैपेंस। लगते हैं, सही जगह नहीं रहती, और शायद वो चीज़ मिले ना मिले, बट हम ऐसा करते हैं। किसी का सॉक्स कहीं पर पड़ा हो, हस्बैंड ने बोला सॉक्स कहाँ है, वो आपने पूरा इधर उधर कर दिया, तो उथल पुथल मचा दिया। आप ढूंढ रहे हो समथिंग, कुछ खोज रहे हो, बट आपने उथल पुथल मचा दिया। तब आप कह सकते हो कि यू नो आई स्टार्टेड रमेजिंग। अब रमेजिंग बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद दो प्रेपोजिशंस हैं, या तो इन लगाओगे या थ्रू लगाओगे। तो या तो बोलो आई स्टार्टेड रमेजिंग थ्रू द एलमीरा इन ऑर्डर टू सर्च फॉर माई, जो भी था वो आप ढूंढना चाहते थे। तो ये उथल पुथल करने के लिए आपको रमेज बोलना है। आई स्टार्टेड रमेजिंग, बोलो कि आई वॉन्टेड टू फाइंड माई पेन, आई कुडंट गेट इट, सो आई स्टार्टेड रमेजिंग थ्रू द ड्रोअर। तो ड्रोअर का मतलब है कि जो ड्रोअर, समझ रहे हो ना, जिसमें चीजें रखते हैं। यस सर, तो रमेज का मतलब है कि आप कुछ ढूंढने के पर्पज से गए और आपने अनटाइडी कर दिया, इधर उधर उथल पुथल मचा दिया, दैट इज रमेज। यानी कि इंग्लिश में कि टू मूव थिंग्स एंड मेक देम अनटाइडी, चीजों को मूव कर दो इधर से उधर, अनटाइडी कर दो, वाइल यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, जब आप कुछ ढूंढ रहे हो तब। और रमेज के बाद आप थ्रू लगा सकते हो। इफ यू रमेज थ्रू समथिंग, यू सर्च फॉर समथिंग यू वांट, आप कुछ ढूंढते हो जो आप चाहिए आपको, बाय मूविंग थिंग्स अराउंड, चीजों को इधर उधर कर देते हो इन अ केयरलेस और हरीड वे, जल्दीबाजी मचाते हो, केयरलेस तरीके से चीजें हटाते हो। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। बोलो कि येस्टरडे आई वॉन्टेड टू गो समवेयर एंड आई वॉज नॉट एबल टू सी वेयर माई कार्स की वॉज, सो आई स्टार्टेड रमेजिंग थ्रू द ड्रॉअर, ऐसे करके बोल सकते हो। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा रमेश। यस सर। ओके, मे आई मेक सेंटेंस? नहीं अभी कर लेंगे, अभी एक्चुअली ना लेट भी हो रहा है, तो मुझे हर बैच को थोड़ा सा लेट ही पढ़ाना होगा। मैं समझा दूं पहले, फिर आप ओके सर। चेन करना। यह है सोपोरफिक, पढ़ पाएंगे सोपोरफिक? सोपोरफिक का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है, मान लीजिए ऐसे समझाता हूँ आपको, सपोज यहाँ पर एक बालिका है क्यूटी पाई, और मान लो किसी की बिटिया है, और जो माता श्री है वो लेक्चर दे रही है, ओके बेटा ये मत करो, ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ। तो ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर ऐसा बोरिंग है कि इस बच्ची को नींद आने लगे, यू नो कोई चीज ऐसा हो जो आपको सुला दे, आपको नींद लाने वाली फीलिंग पैदा कर दे, वो चीज़ सोपोरफिक है। चाहे किसी का लेक्चर हो, या मूवी देख रहे हो और मूवी देख के आपको लगे यार आप यॉन करने लगो, आप सोने लगो, इट मीन्स कि वो मूवी है सोपोरफिक। या तो कोई आपने दवाई खा ली है, जो दवाई खाने के बाद आपको नींद सी आए, आप दवाई खाने के बाद जॉब पे नहीं जा सकते, आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो दवाई क्या है, सोपोरफिक है। तो आप रियल चीज को भी सुपोरफिक कह सकते हो, जो दवाई है। कोई खाना आपने खा लिया, वो आपको सुलाने लगे, वो खाना क्या है, सुपोरफिक है। नहीं तो किसी का लेक्चर, किसी का कॉन्वर्सेशन, कुछ भी सुपोरफिक हो सकता है, कोई क्लास। सर, आई हैव हर्ड दिस वर्ड सो मेनी टाइम एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट इट इज रिलेटेड टू सुपर्ब समथिंग। ना ना ना, सुपोरफिक। तो कोई भी चीज सुपोरफिक अगर है, यानी कि वो एक काइंड ऑफ बोरिंग है जो आपको अनइजी बना रहा है, यू नो फील स्लीपी वाली फीलिंग दे रहा है, यू नो ये सोपोरफिक है। तो बहुत प्यारा वर्ड है। मान लो कोई बच्ची कोई क्लास लेने के बोली, ओ मामा दिस क्लास वाज क्वाइट सोपोरफिक। तो ये और देखो, ये वर्ड आज आप सीख रहे हो, और ये वर्ड मैंने अक्षत को सिखाया हुआ है, उसको मैं हमेशा न्यू वोकैब सिखाता हूँ। ये वर्ड मैंने उसको सिखाया कि यूज करो, और जब मैं सिखाता हूँ तो मैं ये हिंदी तो नहीं बता सकता, तो मैं उसको सिचुएशन देकर, एक्टिंग करके ऐसे समझाता हूँ। तो अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको ना अपने साथ लेके चलो, चीजों को सिखाओ उसको, उसको यूज करो, एक्ट कर करके दिखाओ, उसे बड़े होके प्रॉब्लम ना हो।
Actually, sir, I get confused because I start narrating him like हिंदी वाला थिंग काम्स ना कि तो आई गेट कंफ्यूज कि व्हाट्स द प्रॉब्लम एग्जैक्ट वे टू ये अभी मेक क्या हिम है कि लर्न. अगर आपका बच्चा मान लो 4 साल 6 साल का है और आपने गलती से उसको फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी या हिंदी दे दी है तो फिर तो आपको ये ट्रांसलेशन वाला गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन अभी से भी खेलना चांस है कि एक बार ना प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश एक बार करके देखना बच्चे के साथ, जब भी आप रूबरू होते हो बच्चे के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश, और कोई वर्ड सिखाओ उसको पहले एक्ट करके सिखाओ और फिर लास्ट में थोड़ा हिंदी बोल देना, थोड़ा सा ऐसे पड़ेगा. बता देना उसको, एक्ट करो। क्या पता, क्यों बच्चा तुरंत कैच करेगा, हमसे तेज होता है बच्चा, याद रखना, वो कैच करेगा करेगा। और जिसका कोई नया बेबी आने वाला है तो भैया फर्स्ट लैंग्वेज मैं तो कहूँगा कि आप इंग्लिश कर दो यार, कोई बुरा माने तो माने, इंग्लिश कर दो, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जो वर्ड है रिक्टी, रिक्टी का मतलब है कि, पता नहीं हिंदी आप समझ रहे नहीं, जर्जर नहीं समझ रहे होंगे। मान लो कोई ब्रिज है, कोई पुल है, उसकी हालत ख़राब है, आप इस पे पैर रखोगे टूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, यू नो। कोई बिल्डिंग है उसकी हालत ख़राब है, तो इस चीज़ को हम रिक्टी कहते हैं। रिक्टी का मतलब कि लाइकली टू ब्रेक, वो कभी भी टूट सकता है, वो स्ट्रांग नहीं है, वो पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने ये वर्ड भी अक्षत को सिखा दिया है, तो डिलैपिडेटेड या रिक्टिव कह सकते हो। ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है डिलैपिडेटेड। जैसे आप किसी पुलिस स्टेशन के पास देखे, कुछ गाड़ियों की कंडीशन देखी है पुलिस स्टेशन के पास, यस समझ रहे सर, होंगे, होता किसी का पहिया जमीन में होता है तो कोई बिल्कुल अजीब हालत होती है, तो इसको हम कहते हैं रिक्टी, रिक्टी कार्स, रिक्टी जो भी चीज, आपकी फर्नीचर हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, कुछ भी रिक्टी हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है रिक्टी चेयर, चेयर रिक्टी है, यहाँ स्टेयर वे है, जो सीढ़ी है वुडन स्टेयर वे है वो रिक्टी है, किसी का फेंस है, फेंस मतलब होता है ना चारों तरफ से जो घेरते हैं फेंस, वो रिक्टी है। दीवाल. तो ये एडजेक्टिव आप सर, इस्तेमाल कर लो। फेंस का मतलब क्या होता है? फेंस का मतलब घेरा, बाउंड्री टाइप होता है ना ऐसे घर के ओके बाहर, ओके चाहे वो लकड़ी का हो, बांस का हो, या जो भी हो, ईंटों का भी हो, जिसपे कई लोग कांच लगा देते हैं, कई लोग कांटे वाले तार लगा देते हैं, लगाते हैं ना, इन जनरल टर्म वी से चार दीवारी काइंड ऑफ, राइट सर? या तो यस वो फेंस है, या दीवार. फेंस, ओके. फाइन गाइस, तो ये दो वर्ड मुझे लगता है आप भूलोगे नहीं, इस सिचुएशन से याद हो जाएगा तुरंत, आई थिंक। यस तो सर, रमेश भी याद हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, यस सर, कि सोपोरिफिक सपोरिफिक, एंड रिक्टी। यस सर, अब ये भी याद हो जाएगा, इसके हिंदी पे ना जाना, फ्लीटिंग। ये फ्लीटिंग ऐसा है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसको गुस्सा आया, लेकिन उसका गुस्सा कुछ ही देर में खत्म हो गया, 2 मिनट 4 मिनट आधे घंटे में फिर वो नॉर्मल हो गया, यानी कि उसका जो गुस्सा था वो फ्लीटिंग था। फ्लीटिंग का मतलब कुछ देर का था, फ्लीटिंग का मतलब है कि लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ही पल वो रहे। अब आप इसको किसी वे में ले लो, किसी के अंदर कोई एनर्जी है और एनर्जी उसका बस कुछ ही पल का एनर्जी है, उसके बाद फिर वही सुस्त हो गया, इट मीन्स कि फ्लीटिंग एनर्जी। किसी के मन में अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन कुछ ही पल का है तो फ्लीटिंग अट्रैक्शन है। प्यार है, वो ज़्यादा देर तक प्यार उसका टिकता नहीं, फ्लीटिंग लव है। तो आप अपने डेली लाइफ में चले जाओ, फ्लीटिंग डिजायर भी हो सकती है, किसी को पिज्जा खाने का मन कर रहा है लेकिन फिर 2 मिनट में फिर बर्गर पे चला गया, तो डिजायर क्या था? फ्लीटिंग था। हिंदी तो गलती से बच्चों को बता भी मत देना, क्षण भंगुर पागल हो जाएगा बच्चा धारिका। सर, इवन मुझे नहीं समझ आ रहा व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट यस, क्षण भंगुर. ये हिंदी तो बिल्कुल भी, मैंने लिख दिया था जानबूझ के कि इसका कोई और हिंदी है ही नहीं, तो यही लिख सो दिया। इट मींस सब कुछ सेकंड्स के लिए टाइप्स ना, क्षण. हाँ, तो कुछ पल के लिए, क्षण भी अगर बहुत ज्यादा देखे तो क्षण तो समझ में आ जाएगा, फॉर अ मोमेंट। भंगूर इज काइंड ऑफ भंगूर इज टफ लाइक, वर्ड. इवन आई डोंट नो व्हाट इज भंगूर, व्हाट इज दिस, आई हैव हर्ड अबाउट लंगूर बट नॉट या. ओके, सो फ्लीटिंग अच्छा है। अच्छा, ये वर्ड किसने यूज किया? ये दीपिका ने यूज किया था अपने एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस है ना दीपिका, उसने यूज यस किया फ्लीटिंग, फ्लीटिंग लव। तो एंड सर, लाइक एनरेज जब हम यूज करते हैं तो लाइक जब हम लाइक वी आर वेरी एंग्री दैट टाइम, सो आई कैन से दैट दैट टाइम आई वाज वेरी एनरेज्ड. हाँ, एडजेक्टिव में लगा दो, नहीं तो ओके उसके लिए मैं एक अच्छा वर्ड आपको सिखाता हूँ जो मार्केट में चलता है, इनफ्यूरिएट।
सुना हो इन्फ्यूरिएट ओके यस सर आई हैव हर्ड इट फ्रॉम यू इन्फ्यूरिएट अच्छा है फ्यूरियस एंड इन्फ्यूरिएट वन एंड सेम थिंग फ्यूरियस में मतलब होगा कि मैं फ्यूरियस था गुस्से में था इन्फ्यूरिएट एक वर्ब है तो आप okay. बोल सकते हो कि डोंट इन्फ्यूरिएट मी यानी कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ ये गुस्सा दिलाने वाला है अब जिसको अगर ये वर्ड नहीं पता हो क्या बोलेगा डोंट मेक मी एंग्री ये बोलेगा ना मेक लगाए तो हमें मेक से बचना है हमें ये लगा देना और एक एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब मैं आपको बता देता हूँ कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप हाँ ये सब आप यूज कर सकते हो हाँ ये है आपका रेज जैसे कि डोंट रेज माई हैकल्स ये आप यूज कर सकते हो यू आर रेजिंग माई हैकल्स घर में तो मतलब इतना आप यूज कर सकते हो आप बच्चे को बोल सकते हो बच्चा सीख भी लेगा जैसे बच्चा कुछ जिद कर मामा ये बना वो बना बोलो डोंट रेज माई हैकल्स यानी कि मुझे यार गुस्सा मत दिलाओ रेज माई हैकल्स माइक सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हैकल्स हियर एक्चुअली ये मुहावरे हैं बस वैसे अगर बहुत कोई ध्यान से देखे तो हैकल्स कुछ होता होगा जो रेज हो जाता होगा यू नो ये कहीं ना कहीं से बने हुए हैं मान लो कि कोई किसी एनिमल से बना था पता नहीं क्या था कुछ कुछ बाल वाल थे कुछ ऐसे उसके खड़े हो जाते थे गुस्से में जब आती थी या कुछ ऐसा था तो उससे बन गया रेज माय हैकल्स दिस इज द बेस्ट वे लाइक वी कैन लर्न फ्यू वर्ड्स एंड वी कैन यूज यस आप इसका इस्तेमाल तो करो फाइन गाइस गाइस मुझे लग रहा है देयर इज अदर वन मोर वर्ड इज देयर जीरो ऑन एंड कैन यू शो इट दैट सो दैट आई कैन राइट इट समवेयर या मुझे लग रहा है गाइस मैं ये ना ये पेज आपको भेज के मैं दूसरी क्लास लेनी होगी हां सर ग्रुप पे यस सर यस सर यस सर वी विल यस सर आज हमारा न्यूज़ वो नहीं हो पाएगा चेन अच्छा ये है जीरो इन ऑन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा टफ है ऐसे होता है मान लो कि ये आप हो और आपने कोई अपना गोल बनाया है और आपका सारा फोकस उसी टारगेट पर है इट मींस यू आर जीरोइंग इन ऑन योर टारगेट किसी चीज पर पूरा ध्यान देना मैं इंग्लिश में समझाता हूँ टू डायरेक्ट ऑल योर अटेंशन टू वन थिंग ऑल योर अटेंशन आपकी जितनी अटेंशन है ना वो एक चीज पर लगा दो सारा ध्यान एक पर केंद्रित कर दो वहां पर आप यूज करना जैसे पुलिस वाले किसी केस पर सारा ध्यान लगा देते हैं इट मींस दे आर जीरोइंग इन ऑन अ पर्टिकुलर केस तो ये है और अगर आप रियल लाइफ में आते हो और आपके हाथ में कोई गन है और सामने कोई टारगेट है और आप शूट करोगे तो ये तो आप पूरा उस पे निशाना लगाओगे तो ये निशाना लगाना भी आएगा एम एम करना तो दो मतलब लाइक दिस कैन वी यूज जीरो इन ऑन योर शेड्यूल यस यस वी कैन से इतने सारे एग्जांपल्स हैं मैं आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू दिस पेज ओके गाइस सो आई डोंट वांट दिस लेक्चर टू बी सो परफेक्ट सो Allow me to go. Yeah. It can't be so perfect, sir. It can't be. So I'm going to send it to you. Then I have to take other class as well. Okay, sir.